एडमिशन करवाया सेमेस्टर हो छोटा हो ये बास्केटबॉल ग्राउंड है और फुटबॉल ग्राउंड है ठीक है उधर जाके सारी क्लासेस है ये लाइब्रेरी है ठीक है ओके सो ये है मेरा डिपार्टमेंट ठीक है मेरी मॉडलिंग के लिए रिहर्सल अच्छा और ऐसा ये है हमारी लाइब्रेरी खुश हो देखकर स्टेज सजेगा फिर ताली बजेगा YouTube channel and welcome to new vlog. So आज क्या है इंडिया पाकिस्तान का मैच है एंड ऑब्वियसली मैच तैयार हुई तो मतलब मैं बाहर कहीं देखने जा रही हूँ पता है हिस्ट्री में हमेशा हुआ है मैं जब बाहर मैच देखने जाती हूँ ना तो पक्का ना पाकिस्तान हार जाता है बट इस दफा देखना इंशाल्लाह मैं हिस्ट्री तोड़ूंगी और पाकिस्तान जीतेगा और आज मैं साइड हूँ बाबर आजम के और मेरी जो पार्टनर जो मेरे साथ जा रही है वो है वन एंड ओनली गेस करें मैं नहीं बताऊंगा ज़ैनब और ज़ैनब तैयार भी हो गई है ठीक है ज़ैनब एक तैयार हुई चप्पल क्या पहनी है तुमने अरे जॉगर्स पहनने हैं चप्पल यही पहनी है तुमने जॉगर्स पहनने हैं और तुमने मेरी लिपस्टिक लगाई हुई है और मेरी चीटिंग से सुरमा भी तुमने लगाया तुमने मेरे बात लगाए पिछली वीडियो देख लो बार बार झूठ बोलो ठीक है चलो ठीक है लेकिन मैं सुरमा हमेशा गाइस आप लोग को पता है मैं लगाती हूँ सुरमा इज ब्यूटी मैंने वो लगाया ब्लैक लाइनर वाला ठीक है लेकिन मैंने सुरमा लगाया ठीक है सो हम लोग जा कहाँ रहे हैं ये भी तो क्वेश्चन है हम लोग जा रहे हैं मेरी यूनिवर्सिटी अब मसला ये है कि मुझे एंट्री मिल जाएगी क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूँ बट तू तो नहीं है ना तू तो स्कूल की बच्ची है मैं उनसे बोलूंगी अंकल मैंने एक दफा आपके यूनिवर्सिटी अंकल नहीं सुनते अंकल बड़े चलो देखते हैं उन्होंने एंट्री ना दी ज़ैनब को तो फिर हम इसको वापस भेज देंगे स्पोर्ट्स टाइप कपड़े उसने पहने हैं मॉडल टाइप कपड़े तो प्यारा कौन लग रहा है ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ मेकअप तो हमारा हो गया बट हम लोग इतना लेट हो गए ना मैच 2 बजे का स्टार्ट हुआ अभी टाइम पता क्या हो रहा है 3 बज रहे हैं जल्दी कर लो लोगों ने मैच देख लिया तुम्हें नहीं देखा था ना बस और रेडी मत हो बस इनफ मैं ना आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ राबिया ये क्या बदतमीजी होती है तुमने मुझे बोला कि लोगों ने मैच देखते तुम्हें नहीं देखना और तुम खुद ही इतना सज धवन के जा रही हो जैसा खुद का मैच है तुम्हारा ये बात ही लेकिन बाल तो सुनते थे खुद तुमने बाल पूरे टर्न अच्छा कैसे टर्न कर लिया मैं तो नहा के आई हूँ मेरे छोटे छोटे से बाल अपने बालों का क्या कर रहे हैं आप इसको मम्मा यार लेट हो गए कुछ खाने को दे दे बल्कि वाले खाने के पापा को बुलाए लेट हो गए मैच शुरू कब का हो गया हमने वहाँ पर चले वो एंट्री ना दे वहाँ पे हमें जल्दी 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 ओए गाइस 3 बजने को आ गए और ज़ैनब चलो यार कोई बारिश नहीं आ रही है इससे मैच सही चलेगा और हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड्स का मैसेज आया है पता चले मेरे दोस्त ने भी कोई ना आया वहाँ पे और आ जाए ये वाली क्लासेस लगाई यो यो चलो मम्मा अपने निकलते हैं आजो मैडम मैडम आपको कोई मेरे आपकी क्लासेस चल आपकी क्लासेस चलो मम्मा अलग तैयार होकर बैठी पता चले मैजिक कैंसिल हो जाए वहाँ पर मम्मा सब्जी की पड़ी हुई है बच्चों को मैच की पड़ी हुई है खवातीनों को अपनी सब्जियों की पड़ी हुई है खैर पापा आ गए हैं ठीक है तो निकलो 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 अल्लाह मैच कैंसिल नहीं करना प्लीज मैं नाराज हो जाऊंगी आम से मम्मा के हस्बैंड आ गए हस्बैंड जी मैच पापा से पूछे मैच कैंसिल हो गया क्या हटो यार पापा जी वो तो कह रहे हैं कि वो बारिश हुई कैसे वो मैदान छोड़ के चले गए बोलो आपने क्या करना नहीं नहीं लेकिन अब भी वापिस देगा फिर वापिस आ गए बोलो आज गलती से मैंने इसके साथ मैच का प्लान बना ही लिया ना तो मुझे अगर कैंसिल हुआ ना मैंने इसको मारना इसकी वजह से हो रहा है सब कुछ तुमने लेट किया क्योंकि पापा जी हम लोग जल्दी कर सकते थे ना ज़ैनब ने लेट किया और लेट उठी इसी की क्लास ले रही थी नहीं लेकिन लेट मुझे पता है मैं उठी मैंने टाइम लगाया लेकिन बस खुद लेट उठी नाम ज़ैनब कल गा रही पापा जी आप नहीं देख रहे मैच मैं नहीं आप रेडियो पे सुनते हैं नहीं सुनता हमारे पापा एक्चुअली में ज्यादा फुटबॉल के फैन है फुटबॉल मैच वो बहुत शौक से देखते हैं खैर तो चलो चलते हैं लेकिन उनकी बेटियां बेटियों को मैच समझ नहीं आता लेकिन फिर भी देखती हैं जीतेगा भाई जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा इमरान खान के पाकिस्तान एंट्री ही नहीं दे रहे उन्होंने नहीं देने लेकिन मैं कह तो रही हूँ हो रही है उसके लिए मेरी बातों को यकीन ही नहीं कर रहा था मुझे कार्ड ही यहाँ पे मांगे क्या कार्ड अभी नहीं मेरे ख्याल से वो जो वहाँ पे जहाँ पे मैच लगा ना उधर मांगे कार्ड और ज़ैनब फंसेगी फिर स्टूडेंट कार्ड मेरा राबे फैसल हूँ मैं यार कार्ड देखे मेरा राबे मैंने कहा ज़ैनब ने अभी एडमिशन करवाया कहा ज़ैनब का दिखाया मैंने कहा इसने तो अभी भी एडमिशन करवाया छोटा बड़ी लगती है उन्होंने कहा ज़ैनब कौन है
चाहिए मम्मा फिर जल्द जाने का एडमिशन करवा ही देते हैं फिर इसको मम्मा पापा ने कहा है कि हम लोग पहले देख खाएं कि लगाओ यहाँ पर जी आवाज शोर की आवाज आ रही है सुने दिल ठीक है ओके बाय गाइस फाइनली गर्ल्स जा रही है प्रिटी गर्ल्स देखते हैं वहां पे पता चले मेरे वहां पे दोस्त आए हो उन्होंने कहा राघव तुमने हमें नहीं बताया और तो उनसे कहना तो गाइस देखो एक मिनट मेरे जो दोस्त अभी व्लॉग देख रहे हैं ना सब उनको मैं मैसेज दूंगी कि यार एक्चुअली मैंने बनाना था व्लॉग ठीक है अब मैं तो दो कदम पे पास यूनिवर्सिटी के घर है तो मैंने कहा व्लॉग बना के वापस आ जाऊंगी फिर मैंने इसलिए मशवरा नहीं किया लेकिन उन्होंने नाराज हो गया ना पता सब स्टूडेंट कार्ड ना मांगे स्टूडेंट कार्ड नहीं यूनिवर्सिटी वालों ने मांगा है ना यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं है यहाँ तो कोई आया ही नहीं है रुको देख आओ तो सही एक मिनट फिर में हुआ कुछ ये है कि मैच डिले हो गया क्यों हुआ है मैं बताती हूँ आप लोगों को क्योंकि बारिश की वजह से वो कह रहे हैं कि मैच डिले हो गया थोड़ी देर बाद होगा लेकिन होगा ठीक है तब तक मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी दिखा देती हूँ आज तुम बड़ी दफा आई हो मैं यूनिवर्सिटी फिर अपनी क्लासेस दिखाती हूँ आज जाने को नहीं जी नो मैं टूर तो भाई किसी और व्लॉग में करवाऊंगी ना लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी चलो ठीक है भाई आ जाने को अपनी यूनिवर्सिटी घुमाते मुझे तो अपनी क्लास चलो जिसमें बैठती हो ये हमारा जो पूरा ग्राउंड है ना ये है फुटबॉल ग्राउंड है ये बास्केटबॉल ग्राउंड है वो फुटबॉल ग्राउंड है ठीक है और ये यहाँ से लोग पार्किंग आती है ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है उधर जाके सारी क्लासेस है ये लाइब्रेरी है अब लाइब्रेरी भी है हाँ जी बेटा बहुत सुंदर है हाँ जी तुम्हें जाके दिखा देखनी है लाइब्रेरी लाइब्रेरी देखनी है कमेंट सेक्शन में बताओ अगले ब्लॉग में चला ठीक है समरिया तो थोड़ी सारे ब्लॉग में इस ब्लॉग में सब क्या वैसी है जो अमेरिकन की होती है वो बड़ी बड़ी हाँ इतनी प्यारी लाइब्रेरी हमारे लिए वहाँ पे बोलना अलाउ नहीं करता है वो लोग एक्चुअली में लाइब्रेरी में तो तुम लाइब्रेरी नहीं बैठती मैं जाती हूँ इतना मजा आता है मुझे हाँ वो एम्बुलेंस है ठीक है और अभी जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं ना यहाँ पे फुल गाड़ियाँ गाड़ियाँ होती है लाइब्रेरी बाद में जाएंगे कल तुम्हें अंदर जाके अपनी क्लासेस दिखाती हूँ ना आज सैटरडे ये यहाँ पे ना काम हो रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी से छुट्टी है ना ओके सो ये है मेरा डिपार्टमेंट ठीक है मेरी मॉडलिंग के लिए रिहर्सल अच्छा अच्छा क्लास दिखाती हूँ जो मेरी फेवरेट क्लास है मुझे लगता है अभी वो लॉकड होगी शायद ठीक है बट वो वाली क्लास जो है मेरी फेवरेट क्लास है थिएटर की क्लास है मैं स्टूडेंट हूँ पागल क्या होगा स्टूडेंट हाँ ये लेकिन अभी यहाँ पे ना काम हो रहा है एक्चुअली में पूरी यूनिवर्सिटी में हमारी काम हो रही है हमारी थिएटर का ऊपर लिखा देखो ऑन एयर ठीक है ये हमारी क्लास है बहुत बड़ी क्लासेस होती है क्लास है पूरी है क्या कह रही हो मुझे लाइब्रेरी दिखा दो मेरा बहुत दिल करता है मैं लाइब्रेरी देखूं जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी लाइब्रेरी कहाँ पे तो आओ मैं जैनब को लाइब्रेरी दिखा कर आती हूँ ब्रो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का जो है ना रास्ता भूल गया मुझे समझ नहीं मैं भूल गई लाइब्रेरी कहाँ थी यार अब राबिया तुम इतने देर से हो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारी लाइब्रेरी कहाँ पर है कहाँ थी यार मैं भूल गई लाइब्रेरी कहाँ थी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है यार साफ़ सो मच खवारी हमें फाइनली लाइब्रेरी का रास्ता मिल गया भाई ऐसा ये है हमारी लाइब्रेरी खुश हो देख कर आप फाइनली इसने सारी बुक्स पढ़ी होती है ठीक है और उधर बैठ के हम लोग पढ़ते हैं चलो इधर आगे उसको पिक्चर्स की पड़ गई गाइस अगर ये पिक्चर्स पोस्ट करें सारे कमेंट करना राबिया की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी चलो और गाइस फाइनली हमने यहाँ पिक्चर्स यार पिक्चर 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 मैच उधर स्टार्ट हो गया पता तुम्हें मैच तो स्टार्ट हो गया इसको अपनी फोटो की बढ़िया अच्छा चलो फाइनली मैच शुरू हो गया तो चलो 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 इमरान के साथ चलो चलो कोई बात नहीं तो हमें तो मैच देखना है ना लोगों को हमने क्या करना कोई आया ही नहीं मैच देखने थोड़े से बच्चे हैं उधर हम लोग फिर कुछ लड़कियां आई हैं देखने के लिए खाना यहाँ से खा लेंगे ना आगे मुझे तो मैच की समझ नहीं आई जैनब यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है हमारी मैच की कोई समझ नहीं आ रही बट वैसे हमने कह रहा है दिल दिल पाकिस्तान समझ आ रही है मैच की छोटे बच्चे मैच देखने आ गए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मुझे कोई बताओ कौन जीत रहा है यार ओके यार पता नहीं क्या हुआ ये सब खुश हो रहे हैं पता नहीं हुआ बस अच्छा हुआ है जो भी हुआ है पता नहीं पढ़ लिखना था थोड़ा पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए पढ़ने लिखने की बात नहीं है तुम्हें आ रही है समझ हमें समझ में नहीं आ रही खुश हो रहे हैं मैं उनके साथ खुश होंगी जीत गया पाकिस्तान
अभी हम आके बैठे ही हैं। ये लिया है, ये बैठी है और मैच फिर से स्टार्ट। इतना फिर से वहाँ जाओ, फिर से जाके देखो। अब हम लोग जब इधर बैठ के सुकून से देख रहे थे, वो सामने मैच लगा है, उधर छोटी स्क्रीन पे देख लो आराम से। कल है ना जो सारे खाना वगैरह देते हमें सारे, वो बैठ के यहाँ पे मस्त माहौल होकर पूरा देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनके साथ देखूंगी बैठ के आराम से। क्या हाँ वही ना, और मुझे ये भी नहीं समझ आ रही जीत कौन है, मुझे कोई गाइड करने वाला ही नहीं है। उन सबसे अच्छा खेल रहे शाहीन खेल रहा है, बस मुझे इतना पता है। शाहीन इस दफा मैं शाहीन के साथ हूँ। शाहीन शाहीन क्या अभी तुम घर में बाबा रहते हो पास थी और उसको धोखा? नहीं नहीं मैं शाहीन के साथ हूँ। और ये पता नहीं क्या जहन ने बर्गर ऑर्डर किया, माशाल्लाह। यहाँ आकर भी खाना स्टार्ट है। चलो मैं भी टेस्ट कर ही लेती हूँ, वैसे तोड़ के दो मुझे, मैं नहीं खाना, खाऊंगी। तो इसलिए लड़की ने खा पी लिया, ठीक है। अब हम लोग दोबारा से मैच देखने जा रहे हैं। यहाँ भी देखे थे बट बाहर तो अपना ही मजा होता है। इधर पहले शीशे में थोड़ा शीशे में तुम्हें दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमारी कैंटीन में भी ना शीशा देखने की ऑप्शन है। उसे आप ब्यूटीफुल गर्ल्स फिर से मैच देखते हुए जाने के लिए, ओह जाते हुए देखने के देखने के लिए जाने। अरे कहना क्या चाहते हो, जो भी है। खैर चलो, मुझे बस हो रहा है जो इन्होंने स्टॉल लगाए हुए ना स्टॉल, उनसे कोई खरीद लो कोई सामान यार। उन्हें टिक्के शिक्के कबाब शबाब लगाए हुए हैं। अंकल कितने का? 250। थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर आए हैं क्योंकि हमें मैच की समझ नहीं आ रही है यार। कोई बड़ा मिल जाए, अल्लाह हमें मैच समझा दो प्लीज। मुझे इतनी समझ आ गई कि शाहीन अच्छा खेल रहा है और पाकिस्तान जीत रहा है, दैट्स इट। और मैं नहीं सर, क्योंकि मैं छोटी बच्ची हूँ ना, अभी अब ऐसे समझ आ जाएगी। मैं इतनी क्रिकेट फ़ैन नहीं हूँ, क्रिकेटर्स की फ़ैन हूँ लेकिन क्रिकेट फ़ैन नहीं हूँ। खेलना भी नहीं आता मुझे, तो आता है मजाक। कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस मैच हमें समझ नहीं आता बट डांस हम पूरा करते हैं। फिर स्टेज सजेगा, फिर डाली बजेगी और खेल बजेगा। जल्दी आओ। चलो यार मुझे मैच की, वी डोंट हैव मच टाइम। एक बात बताऊं, मुझे मैच की समझ नहीं आ रही बट मैं कोशिश कर रही हूँ गाइस। सो प्लीज़ अगर व्लॉग में आप लोग तो देख चुके होंगे ना मैच पहले, ये एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं रब ऐसे मैच देखती है, दैट्स इट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ तरीका है भीख मांगने का? ओके यार, सो फाइनली यहाँ तक मैच पहुँच गया है। पाकिस्तान का एक विकेट कर लिए, ठीक है। और अभी गेम बहुत, पाकिस्तान जीत रहा है। अगर पाकिस्तान जीत गया मैं लाइव आऊंगी और मैं भी आऊंगी लाइव। अच्छा, और अब लोग भी इतने ज्यादा हो गए, इतने ज्यादा लोग मैंने भी इतने फोकस से देख रही है ना, सारी समझ आ रही है। समझ आ भी रही है कि नहीं? हाँ जी आ रही है। अब हम खेल जाएंगे स्पेशल पोटैटो। अंकल एक दे दे ये वाला ऊपर चटनी भी लगा दे, चटनी भी लगा दे। फाइनली हमारा ये आ गया और अब हम जाएंगे अब कैफे चलेंगे, बैठ के खाते हैं ये गंदी। जैन तुमने इतना कचरा मचा दिया। और यार इंडिया की बैटिंग खत्म हो गया, पाकिस्तान की टर्न, वो आधे घंटे बाद है। मतलब पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा बट हमें घर से कॉल जाने के बेटा घर आओ, क्योंकि ओए जो सारा यहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया, सारे लोग चले गए हैं। पाकिस्तान की बैटिंग को टाइम है तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम घर जाके बाकी मैच घर जाके देखेंगे। वैसे भी मैच में इंटरेस्ट तो है नहीं, तो फिर घर चलते हैं। लेकिन अच्छा लगता है। हाँ, और ये सफाई करके जाओ। और गाइस अभी मैच को 15 मिनट ब्रेक आ गया, ठीक है। और हम लोग अब जा रहे हैं घर, क्योंकि घर से बाबा इतना डांट रहे, कितनी रात हो गई और तुम लोग स्टिल यूनिवर्सिटी में, इतनी रात हो गई ऊपर से। तो हम लोग का घर तो पास किया ना, तो हम लोग ने कैब मंगवाई है, कैब पे 2 मिनट में घर जाते हैं और बाकी मैच हम लोग घर जाके देखेंगे। मुझे अपने घर जाना है। और गाइस नाउ इट्स टाइम टू गो होम। हम लोग घर जाते हैं, घर जाके बाकी मैच देखते हैं। बट आज का दिन बहुत बहुत वो एडवेंचरस टाइप था। तो चलो यार, हम लोग घर तो आ गए लेकिन हमें भी ये पता ही नहीं है कि पाकिस्तान जीता कि नहीं। फातिमा ने भी पता नहीं अपने पास से बोल दिया जीत गया, कोई नहीं जीता।
अभी हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके यार, तो इतनी 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 बुरी खबर मिली है कि मैं मैच भी स्पेशल देखने गई, सब हुआ और मैच ही कैंसिल हो गया है बारिश की वजह से। अच्छा मैं वहाँ से आगे, वरना वहाँ पे अभी मैंने खबारों करा रहे ना, तो घर से इन महारानियों से डांट भी पड़ रही है। वैसे एक बात बताओ तुम लोगों को, नहीं हाजी का हिम्मत, जब मैं मैच देखती हूँ पाकिस्तान मैच हारता है, आज मैं अकेली गई तो पाकिस्तान का मैच ही कैंसिल हो, अब शगुन हो गए। कोई बात नहीं, खैर लेकिन मजा तो आज। इसके अलावा एक बात, मैंने जैनब को इतना फन करवाया अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी पूरी यूनिवर्सिटी की सैर करवाई, और जैनब पहली दफा यूनिवर्सिटी गई तो कहती है मैंने भी इसी यूनिवर्सिटी में आना, तो पहली दफा यूनिवर्सिटी गई थी जैनब, तो बहुत मजा आया। तो ये लड़की को पूरा दिन मैंने देखा नहीं, पता नहीं कहाँ थी। खैर सो हेलो एवरीवन, मैं बाय कर रही हूं। आप ही ग्रीन बनी है, वो इधर और बात, और मैं फुटबॉल की बनी हुई, मैं अलग ही ड्रेसिंग की हुई है। तो खैर आज मजा बहुत आया। सो पापा बताऊँ क्या, पापा ज्वालामुखी आग बने हुए, तो पापा के आंखों का मसल दिखा देती हूँ देख। ओह वाह, पापा जिम करते हैं। वैसे हमारे घर में ना पापा को मैच में इंटरेस्ट नहीं है, बेटियां पापा पे गई है, मैंने हिसाब लगाया, हम में भी नहीं है और पापा में इंटरेस्ट और मैच में नहीं है, लेकिन है, मजाक कर रही हूँ। चलो खैर, होप सो कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय।